केजरीवाल, अभी तस्वीरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, नई दिल्ली में ही उनका वोट है। और जितेंद्र हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जितेंद्र। ये बिल्कुल देखिए, आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सामने आप जो गाड़ी में देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बैठे हैं, उनका परिवार जो है वो भी उनके साथ है, उनके पिताजी जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखिए खास ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट डाल रहे हैं, और वहीं पर जो गांधी परिवार है उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है सोमनाथ भारती उनके लिए जो है वोट डाला है। तो ये देखिए, ये भी लोकतंत्र में एक अलग रूप देखने को मिल रहा है कि जिसके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ होते थे, आज जो है एक दूसरे के लिए वोट डाल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में जेल में बंद थे, अगर जेल में रहते तो वोटिंग का अधिकार उनका नहीं होता, वो वोट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि अंतरिम जमानत जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली थी उसके बाद वे वो बाहर है, तो ऐसे में वोट डाल रहे हैं। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को हमने सुना था, वो कहते थे कि अगर ये वोट जो है तय करेगा क्या वो दोबारा जेल जाएंगे या नहीं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से ये कह रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये तमाम बातें बोलते थे। लेकिन देखिए आज उन बातों का असर जनता पे कितना हो रहा है ये पता लगेगा, क्योंकि 8 राज्यों में 58 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये सत्ता के जो केंद्र है दिल्ली, उसमें भी आज वोटिंग हो रही है, और 7 सीटों पर जो मतदाता हैं वो तय करेंगे कि आखिर जो उम्मीदवार हैं चाहे वो इंडिया गठबंधन के हैं या एनडीए के हैं बीजेपी के हैं, उनका किस्मत का फैसला क्या होगा पता लगेगा 4 जून को। लेकिन आज ये तय हो जाएगा कि किसके पक्ष में जा रहे हैं। तो देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और सामने तस्वीर दिखाइए निशांत, उनके पिताजी हैं गोविंद राम, जिनसे सुबह हमने बात भी की थी, वो आपको सबसे आगे बैठे नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंचे हैं, और उन्होंने लोगों से भी कहा है कि वो अपने मुद्दों पर अपनी समझ के हिसाब से वोट करें। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं वो वोट करने पहुंचे हैं, और ये जो पूरा एक उन्हें म्याद मिली थी 20 दिन की वोटिंग कैंपेन के दौरान, उस दौरान भी वो यही कहते रहे कि देश को बचाना है इसके लिए वोट करें। और आज देखिए खुद भी यहाँ वोट करने पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने परिजनों को, जिसमें उनके फादर आगे आपको दिख रहे हैं गोविंद राम, और उनके जो परिवार की उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, सब लोग जो हैं यहाँ पर वोट करने मतदान केंद्र पर पहुँचे हैं। और ये बड़ा अहम तस्वीर हो जाती है क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल यहाँ वोट करने गए हैं वो अपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल उनके लिए यहाँ पर वोट करने अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है क्योंकि 1 जून को पंजाब में वोटिंग होनी है, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ से फिर पंजाब निकलेंगे। देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब बाहर निकले हैं यहाँ पर अपनी कार से, और देखिए आगे अब आगे बढ़े, और अपने पिताजी हैं जो उनके गोविंद राम, उनको गाड़ी से उतारने में उनकी मदद कर रहे हैं, और उसके बाद आगे वोट करने के लिए बढ़ेंगे अरविंद केजरीवाल। तो तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, और देखिए लोकतंत्र की ये भी एक आपको अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वो उनके पिताजी हैं वो 82 साल के हैं, लेकिन सुबह जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वोट डालने जाएंगे और लोगों को भी वोट डालनी चाहिए। तो तस्वीरें लगातार भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए सिविल लाइन्स पहुँचे हैं, और यहाँ पर उनके पिताजी देखिए साथ में उनके चल रहे हैं, हालांकि जो परिवार के जो बाकी लोग हैं वो पीछे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी ने भी हाल ही में जिक्र किया था कि वो कांग्रेस जो है जहाँ पर राहुल गांधी रहते हैं वहाँ पर जो प्रत्याशी है वो आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन, क्योंकि 7 सीटों पर 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, तो ऐसे में वो कांग्रेस जो है यानी राहुल गांधी जो हैं वो वोट डालेंगे सोमनाथ भारती के लिए, उन्होंने वोट डाल चुके हैं, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल उनके लिए वोट डालने। जी बिल्कुल, और देखिए आप जीत बने रहिए हमारे साथ, और तस्वीरों में देखिए सुनीता केजरीवाल भी नजर आ रही हैं परिवार के साथ। इस वक्त जो सिविल लाइन्स में पोलिंग बूथ है वहां पर अरविंद केजरीवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपने पिता के साथ अपने परिवार के साथ, इस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। क्या वोट डालने के बाद देखिए ये भी देखना होगा जीत की, क्या वोट कास्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हैं, खासतौर पर जो सुर्खियां बना रहा आतिशी का बयान जिसमें वो एलजी का नाम लेकर स्लो वोटिंग का आरोप लगा रही है, क्या इन सब मसलों पर कुछ बोलते हैं ये देखना होगा। चलिए लगता है कि जीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है, जीत भाटी का एक बार फिर से रुख करेंगे, और
बिल्कुल करुणा, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं, पुष्पेश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश जी, एक बहुत अहम तस्वीर है ये, लोकतंत्र की बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। वीआईपी सभी दिग्गजों की तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं, लेकिन एक आरोप इन्हीं के मंत्री ने लगाया आतिशी ने कि स्लो वोटिंग हो रही है, क्या इसे मुद्दा बनाने की कोशिश होगी मतदान करने के बाद अपने परिवार के साथ पहुंचे अरविंद केजरीवाल? देखिए, जब इतनी शरीर को झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है तो जैसे जैसे सुबह सूरज चढ़ेगा ये मतदान धीमा होगा ही होगा और दोपहर तक इसकी गति और धीमी होगी और फिर इसमें तेज़ी आएगी शाम के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये तो देखिए लोकतंत्र का एक तकाजा भी है कि जो प्रतिपक्ष है वो आरोप लगाए, जो सत्तारूढ़ पक्ष है वो उसका जवाब दे। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ मुफ्ती बैठी हुई हैं धरने पर, वहाँ शायद स्थिति कुछ ज़्यादा विकट हो, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब जगह मतदान का धीरा होना किसी षड्यंत्र के तहत होता है। तो क्या ये आरोप लगाकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है, ऐसा आपको आप लगता है आपको? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है, इस समय किस ओर ध्यान आकर्षित होगा? जो लोग मतदान देने आ रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे, जो अब तक रूठे हुए हैं या किसी कारण नाराज़ हैं नहीं जा रहे हैं, वो इस पर्दे पर ये देखकर कि मतदान धीमा है दौड़े दौड़े तो मतदान केंद्र की ओर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अच्छा देखिए पुष्पेश, इस बार बड़ा दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए क्योंकि इस बार गठबंधन हुआ है। गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है सोमनाथ भारती, उनके लिए वोट डाला है और ये देखिए सिविल लाइंस में जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके लिए वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या ये गठबंधन आपको लग रहा है, क्या ये कुछ करता हुआ नजर आएगा, क्या चैलेंज, क्या कोई चुनौती बीजेपी के सामने आप देख पा रहे इस बार? जी, मुझे लगता है बीजेपी के सामने चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है और वो इस कारण नहीं है कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हो गया है। मुझे लगता है जो आम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का मुद्दा है और कहीं ना कहीं एक सहनशीलता का अभाव जो हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलने के साथ है, उसको लेकर जो चिंताएँ नौजवान पीढ़ी की हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है बनस्पत इसके कि कौन वीआईपी मतदान कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, उसके परिवार के कौन सदस्य कहाँ है। बिल्कुल, लेकिन जनता इस बात के लिए नज़र बना के रखी रहती है और दिल्ली का इस बार जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर ये जो गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वो दे रहा है बीजेपी को। हालांकि 2019 के रिजल्ट में बीजेपी के खाते में सभी सातों सीटें आई थी। जीत भाटी हमारे साथ लगातार है। जितेंद्र, क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से बातचीत भी की जाएगी मतदान करने के बाद? देखिए अभी उनके स्टाफ के बिल्कुल देखिए उनके स्टाफ की तरफ से बताया गया कि ऐसा अभी तक कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि वोटिंग स्लो कराई जा रही है और कई जगह से ऐसी शिकायतें मिलने की बात भी कर रहे हैं, उनकी मंत्री इस बारे में बोल चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में बोल सकते हैं। और जिस तरीके से सुबह हमने देखा कि वोटिंग की अपील की है तो उनके बोलने की बात होगी, लेकिन देखिए बड़ी बात यही है कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हैं और उसी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं जिनके खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी जो है में आई थी। दूसरी तरफ देखें तो जो गांधी परिवार है उन्होंने भी जो आम आदमी पार्टी के वहां से उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती उनके लिए वोट किया है, तो ये भी एक लोकतंत्र की अलग तस्वीर है। अब थोड़ी देर में देखिए अरविंद केजरीवाल अपने पिता के साथ में अंदर से आने वाले हैं और ऐसे में हमसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो कह रहे हैं और जो आरोप लगाया गया है कि वोटिंग कराई है, इस पर एलजी ने भी पलटवार किया है, तो उसका आधार क्या है? क्या सिर्फ ये जिस तरीके से एलजी कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए बहानेबाजी के लिए करते हैं वो सब है, या कोई ऐसा पुख्ता इनके पास में ऐसा कोई पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर ये आरोप लगाए गए? इन सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए तस्वीर एक बार दिखा निशान देखिए, किसी वक्त जो है अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आने वाले हैं। तस्वीरें हमने देखी कि वो अपने पिता गोविंद राम जो है जिनसे हमने इस पर बात भी की थी उनको लेकर के अंदर गए थे और वहाँ पर अब वो मतदान करके कुछ ही देर में जो है अरविंद केजरीवाल बाहर यहाँ पर आने वाले हैं। और देखिए ये देखना बड़ा बताना बड़ा दिलचस्प है कि सामान्य तौर पर अरविंद केजरीवाल वोट नहीं कर पाते क्योंकि 21 मार्च को ईडी ने उन्हें आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था, जेल में थे। और देखिए जो लोग जेल में होते हैं या कैदी होते हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं होता, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट जब वो गए अपने गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए तो वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए 20 दिन की अंतरिम राहत दी गई थी, जमानत दी गई थी और जब इसी बीच में पोलिंग भी है तो अरविंद केजरीवाल वोट डाल पा रहे हैं और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल हमें यहाँ पर दिख भी रहे हैं। और यहाँ के बाद जो है क्योंकि 2 जून को उनको सरेंडर करना है तो 1 जून को पंजाब में चुनाव है तो वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल जाएंगे क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है वो आज संपन्न हो रहा है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख करेंगे। बिल्कुल, आज सभी 7 सीटों पर जीत जो मतदान है वो हो जाएगा। लेकिन जीत, जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है स्लो वोटिंग का जो आरोप लगाया गया आतिशी की तरफ से, इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, मतदान केंद्र की भी तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों को जहां पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, उनके पीछे उनके
पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनका परिवार कतार में खड़ा हुआ है और उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन जीत एक बड़ा सवाल ये भी है, जो लगातार स्लो वोटिंग का जिक्र किया जा रहा था, आप इस वक्त सिविल लाइंस के जिस पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं या फिर आपने जहां पर भी जाकर जो कवरेज आज सुबह से अभी तक की है, क्या आपको वाकई में स्लो वोटिंग के दावे में कोई सच्चाई कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा है, या फिर कैसा आपको वोटर्स टर्नआउट नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ पर हमें सिविल लाइन्स इलाका जो है चांदनी चौक इलाके में आता है, कम से कम जो सिविल लाइन्स इलाके में जो मैं दो चार पोलिंग बूथ पे घूमा हूँ तो यहाँ लोग ही कम निकले। मसलन यहाँ पे हम बात करें तो जो पूरी आपको भीड़ नजर आ रही है, मीडिया की भीड़ है, यहाँ वोटिंग करने के लिए लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल पर वोट करके आने वाले हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जब हमने औरों से बात की जायजा लेने के लिए, तो ये जरूर सुनने को मिला, शिकायत मिली कि वोटिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रहा है। यानी कि लोग 7 बजे से ही यानी उससे पहले खड़े हुए थे, लेकिन उनको अंदर जाने में दिक्कतें आई और जाकर अंदर जो वोट करने के लिए लोग घुसे थे बूथ के अंदर, वो कह रहे कि बहुत स्लो हो रहा है, कहीं मशीन खराब होने की बात भी नजर आई, तो कहीं पर ये पता लगा कि जो बैटरी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो ऐसी शिकायतें हुई हैं। देखिए, जहां इतना बड़ा चुनाव है वहां इक्का दुक्का शिकायतें आने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना प्रोसेस टेम्परेचर आप देखिए, ऐसे में मशीन जो है वो मिसफंक्शन कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा शिकायतें ऐसी नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ जगहों पर जरूर देखने को मिला है जहां पर वोटिंग स्लो होने की बात लोग कह रहे हैं। लोग ऐसे भी तो 6 बजे सुबह से जो हैं वो लग गए थे लाइंस में, लेकिन जब 7 बजे वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत समय लगा। तो ऐसे में लोगों की शिकायत है कि धीमी रफ्तार से वोटिंग हो रही है, और शायद इसी बात को आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात यह है, वोटिंग तो आज सुबह शुरू हुई है, आम आदमी पार्टी कल रात से इस बात को कह रही है कि ये कोशिश की जा रही है कि वोटिंग को स्लो कराए, खासकर उन इलाकों में जहाँ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं या जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत है। लेकिन देखिए, इस पर एलजी ने पलटवार किया और रात को, आधी रात को 12:30 बजे उन्होंने इस बात का उत्तर दिया और कहा कि ये आपका तरीका गलत है, आप भ्रम फैला रहे हैं, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात भी कही है। अब देखिए, जैसे जैसे आगे घंटे बढ़ते जाएंगे तो पता लगेगा क्या वाकई में जो इक्का दुक्का शिकायतें आ रही हैं क्या वो अधिकतर जगह पर आ रही है, खासकर उन जगहों पर जहां पर आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन के जहां पर उम्मीदवार हैं वहां वोटिंग स्लो की जा रही है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, बिल्कुल तस्वीर साफ होगी, और अभी धीरे धीरे मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा और लोग निकलेंगे। इस बीच हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ सब परिवार वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद हैं, पिता भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाई, और ये बहुत अहम तस्वीरें हैं क्योंकि दिल्ली की लड़ाई, देश की राजधानी की लड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 लोकसभा सीटें आती हैं और 7 लोकसभा सीट में जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल का वोट है वो सिविल लाइंस इलाके के पोलिंग बूथ में है। तो इस नजर हम लगातार बने हुए हैं, मुकाबला कड़ा है। और जितेंद्र, लेकिन आप लगातार लोगों का मन भी टटोल रहे हैं, क्या माहौल है दिल्ली में? आप सुबह से जनता से बातचीत कर रहे हैं, मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, जो वोटरों से हमने बात की तो ये तो हम नहीं पूछ सकते कि किसको क्या दे रहे हैं, लेकिन वोट ज़्यादा मुखर नहीं हो रहे हैं, साइलेंट हैं, तो बता नहीं रहे हैं अभी क्या है। लेकिन देखिए, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भी हमें देखने को नहीं मिली है। हाँ, कुछ स्टेशन हैं जहाँ पर लोग बहुत सवेरे से खड़े हो गए थे। अब देखिए, महज अभी 4 घंटे हुए हैं वोटिंग प्रोसेस को जारी, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि लोग जो हैं क्या वाकई निकलते हैं, या जो 2019 में हमने देखा उससे वोटिंग प्रतिशत कम रहता है, क्योंकि हमने देखा कि अन्य जगहों पर, क्योंकि 6ठा चरण है, पिछले 5 चरणों में लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। तो क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा, क्योंकि सियासत का केंद्र है दिल्ली और यहां पर भी जो वोटर्स हैं, क्या वो... अच्छा जीत, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से आपसे पूछूं, सवाल करूं कि जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, जो कभी सियासत में एक दूसरे के धुर विरोधी थे और जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका था, आज उसी के साथ गठबंधन किया गया लोकसभा चुनाव में, क्या यह चर्चा का विषय आम वोटर्स के बीच में है, या फिर दूसरे मुद्दे हैं जिसके तहत वो, जिसको सोचकर मन में रखकर वो आज अपना वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये चर्चा लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि आपको 2013 याद होगा तो वहाँ पर चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बना ली थी, वही कांग्रेस जिसको कोसते पार्टी खड़ी हुई थी और वहाँ पर चुनाव जीती थी, और 49 दिन की, हालांकि 49 दिन से ज़्यादा सरकार नहीं चली वो, तो लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ रहे हैं। लेकिन अभी बात ये है कि आखिर लोग किसकी तरफ जाएँ वो लोग तय करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने, एक तरफ बीजेपी है, उन्होंने कहा कि बहुत सारा काम किया है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, वो हिसाब मांग रहा है, तो लोगों ने अपना
तय कर लिया है कि दिल्ली की राजनीति में किसे रखना है? क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली की जब बात होती है, विधानसभा की बात होती है, तो उसमें एक ही नाम दिखाई देता है आपको, आम आदमी पार्टी, और बम्पर होता है। लेकिन जब बात करते हैं लोकसभा की, तो वहां पर आपने देखा 14 में 19 में तो वहाँ बीजेपी की साथ समीकरण बदल गए हैं। जो विरोधी रहे अब उनके समर्थन के साथ गठबंधन बनाया गया और आगे बढ़ा गया दिल्ली में। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है, और इसीलिए आज मतदान के दिन भी हम सियासी दलों में जरूर वार पलटवार देख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता का फैसला क्या होता है।